सो 11 से 13 अगस्त अच्छा ठीक है जी. सो माय नेम इज़ अलमास्तो कपूर. आई एम द सीईओ ऑफ सिल्वर फर्न एजुकेशन कंसल्टेंट्स. हम हायर एजुकेशन कॉन्क्लेव का थर्ड एडिशन इस बार करवा रहे हैं हायत रीजेंसी में, जिसमें जो स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन फेयर है दैट इज़ ऑन 13th of August. उसके अलावा हम स्कूल विजिट्स कर रहे हैं जिसमें हम कई टॉप स्कूल्स में अपने यूनिवर्सिटी पार्टनर्स को लेके जा रहे हैं जहाँ पे वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. सो इन स्कूल्स में सेंट जॉन्स है, YPS है, DPS है. यहाँ पर स्टूडेंट्स और उनके जो पेरेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटीज से मिल सकते हैं, जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, UK, US, सम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो. तो बेसिकली एक ये अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलें, अपने करियर के बारे में डिस्कस करें, अपनी फर्दर एजुकेशन के बारे में डिस्कस करें, एंड देन दे कैन मेक अप देयर माइंड कि वो कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं अपनी एडमिशन के लिए, उन्हें क्या स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कोर्स कंप्लीट करने के बाद वहाँ उस पर्टिकुलर कंट्री में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू स्टे बैक, टू वर्क एंड फॉर इमिग्रेशन ऑल्सो लेटर ऑन. इसके अलावा हम एक स्कूल नेटवर्किंग इवेंट भी कर रहे हैं. इस स्कूल नेटवर्किंग इवेंट में 30 to 35 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ एंड अराउंड 35 टॉप इंडियन स्कूल्स, नॉर्थ इंडिया के जो टॉप स्कूल्स हैं, इन लोगों की एक नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी है कि ये कैसे अपने बीच में पार्टनरशिप कर सकते हैं और क्या प्रोग्राम्स ये जॉइंटली डेवलप कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट. बिकॉज आज की डेट में हम ये देख रहे हैं कि फैमिलीज चाहती हैं कि बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिल पाए एट ए यंगर एज. सो उसके लिए वॉट आर द काइंड राइट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स विच कैन हेल्प अ स्टूडेंट नॉट ओनली इफ दे वॉन्ट टू गो अब्रॉड बट इवन इफ दे वॉन्ट टू स्टे बैक इन इंडिया एंड लुक फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. सो बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव इवेंट है जी, 3 दिन का. वी आर वेरी लकी टू गेट सम ऑफ द टॉप एंड यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप 100 में हैं वर्ल्ड में. एट वन ऑफ आर इवेंट्स ऑन 12th of August, मिस्टर पैट्रिक हबर्ट जो काउंसिल जनरल कैनेडा हैं, ही इज़ अ कीनोट स्पीकर. वी आर ऑल्सो हैविंग द हेड ऑफ हायर एजुकेशन फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल कमिंग टू अटेंड आर इवेंट. सो ये काफ़ी डिग्निटरीज़ हैं हु आर अटेंडिंग दिस इवेंट. हमारे इसमें काफ़ी पैनल डिस्कशंस भी होंगी कि एजुकेशन का फ्यूचर क्या है, कैसे एजुकेशन चेंज हो रहा है, और ख़ासकर जो स्कूल वाली स्पेस है हायर एजुकेशन क्लास 10th, 11th, 12th, तो इनके लिए हाउ एजुकेशन इज़ गोइंग टू लुक इन द नेक्स्ट 4 to 5 years, ऑल्सो कंसिडरिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है. सो ऑल इन ऑल आई वुड से द इवेंट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द एजुकेशन कम्युनिटी एट लार्ज. सर ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे इंडिया से जाते हैं, पंजाब से जाते हैं, ब्रह्मटन में जाते हैं, उसके अलावा ज़्यादा लोगों को कुछ नज़र नहीं आता, आपके हिसाब से ब्रह्मटन के अलावा कौन सी कंट्री में जा सकते हैं, कनाडा भी? सो अगर आप कनाडा में जा रहे हैं, ये हमने इनफैक्ट अभी कवर भी किया था और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो हम भी स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं. तो ब्रह्मटन क्या है, ट्रेडिशनली ब्रह्मटन में काफ़ी पंजाबी कम्युनिटी रहती है, सो इस करके स्टूडेंट्स हैव बीन गोइंग टू ब्रह्मटन. बट उस वजह से उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है हाउसिंग की, जॉब्स की, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी एक तरह से ग्लट आ चुका है. तो हम ये स्टूडेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि अगर आपने ओंटारियो एरिया में ही जाना है, ब्रैम्पटन इज़ अ सिटी इन ओंटारियो, आप ओंटारियो में और भी एरियाज़ देखिए, जैसे नाइग्रा है, वाटरलू रीजन है, सडबरी रीजन है, विंडसर रीजन है, ठीक है. तो ये तो सिर्फ ओंटारियो हो गया, इसके अलावा जो आपकी बाकी स्टेट्स हैं जैसे अल्बर्टा हो गया, आपका विनीपेग हो गया, आपका ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, सो यहाँ पर आप जाएंगे आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं, ठीक है, आपके लिए प्रॉब्लम्स भी कम है, एंड प्लस ओंटारियो के अंदर और दूसरी स्टेट्स में स्पेशल इमिग्रेशन प्रोग्राम्स भी हैं. अगर आप उन पर्टिकुलर एरियाज़ में जाके पढ़ते हैं, वहाँ पर आप रहते हैं, तो आप उन इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के थ्रू अपनी PR जल्दी करवा सकते हैं. जैसे आई थिंक फॉर एग्जाम्पल मिस्टर गौरव एंड सौरभ देयर फ्रॉम केम्ब्रियन कॉलेज, इनका जो कैंपस लोकेशन है दैट इज़ इन सडबरी जो नॉर्दर्न ओंटारियो में है. तो नॉर्दर्न ओंटारियो में आपका एक RNIP, सो एक रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम, रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम करके है. तो वो बेसिकली कनेडियन गवर्नमेंट चाहती है कि जो स्टूडेंट्स और माइग्रेंट्स हैं वो इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ में है, बिकॉज वहाँ पर देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ लेबर, ठीक है, दे नीड पीपल टू कम एंड स्टे इन दोज एरियाज. वहाँ पे आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो आपको टोरंटो या ब्रैम्पटन से एटलीस्ट 30 to 40% कम है, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड इवेंचुअली जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं यू आर ऑन अ फास्ट ट्रैक पाथवे टूवर्ड्स रेजिडेंसी ऑल्सो.
इफ़ यू कैन अप्लाई अंडर वन ऑफ दी स्पेशल इमिग्रेशन प्रोग्राम। जैसे इमिग्रेशन जो कंपनियाँ काफ़ी सारी खुल चुकी हैं पूरे पंजाब में, कोई ऐसा ही उपाय है कि अट्रैक्ट आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी टाइप करके स्टूडेंट्स वहाँ जा सकें, इनके थ्रू ना जा सके, क्योंकि 10-15 लाख रुपये ले लेते हैं बट फिर भी उसके बाद स्टूडेंट्स का दुख होता है, जैसे उनका फ्यूचर कुछ नहीं है। सो मैं वही, तभी मैंने पहले भी इस पॉइंट पे टच अपॉन किया था कि आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर आप किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं या एथिकल कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं तो वो आपसे कभी भी 10-15 लाख नहीं मांगेगा अपनी सर्विस के लिए, ठीक है जी। आपको अपनी रिसर्च करनी बड़ी ज़रूरी है, नॉट बिकॉज कि किसी ने कह दिया आप इस प्रोग्राम में चले जाओ और आप आंखें बंद करके चले गए, ठीक है जी। आप इंडिया में भी कुछ भी खरीदते हैं, हम घर खरीदते हैं, हम गाड़ी खरीदते हैं, जस्ट बिकॉज किसी ने कह दिया कि आप ये घर खरीद लो, आप नहीं खरीदेंगे, आप अपनी ड्यू डिलीजेंस करेंगे। सो मेरे ख्याल से स्टूडेंट को अपनी ड्यू डिलीजेंस करनी बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए क्या चीज़ वर्क करती है। किसी बच्चे के लिए टोरंटो वर्क करेगा जाना, किसी के लिए नहीं करेगा, किसी के लिए बिजनेस का प्रोग्राम वर्क करेगा, किसी के लिए नहीं करेगा। तो जस्ट बिकॉज आपको किसी ने ये चीज़ बता दी है कि जी आप ये चीज़ कर लो और आपने आँखें बंद करके कर ली, तो ऐसे वो काम नहीं चलेगा। स्टूडेंट्स क्यों कंसल्टेंट यूज़ करते हैं, वो डायरेक्टली कॉलेज डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, बट प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होता है एडमिशन का भी और वीज़ा का भी। सो फॉर अ गुड कंसल्टेंट देयर जॉब और रोल इज़ टू गेट प्रॉपर काउंसलिंग। आप बच्चे को काउंसलिंग दीजिए, आप उसकी एडमिशन का प्रोसेस जो है, जो उसका वीज़ा का प्रोसेस है, वो सारा सिर्फ आप स्ट्रीमलाइन करके स्मूदन आउट कराओ।